हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं आईएम इंजेक्शन का प्रोसीजर का डेमो करने जा रही हूँ। तो आईएम इंजेक्शन के लिए जो ट्रे में आर्टिकल्स होना चाहिए, दैट इज़ हमें दो ट्रे होना चाहिए, एक बिग ट्रे और एक स्मॉल ट्रे। तो बिग ट्रे में मेनली टू स्टराइल कंटेनर होना चाहिए, जिसमें कि एक कॉटन स्वाब होना चाहिए स्टराइल एंड गॉज पीस का पीसेस होना चाहिए। उसके बाद में कटर होना चाहिए, एक चीटल फोर्सेप एंड स्पॉन्ज होल्डिंग जो फोर्सेप होता है, जिससे कि हम लोग मेनली कोई भी स्टराइल गॉजेस पीस और कॉटन सॉप हमें उससे निकालना हो, उसका रिक्वायरमेंट होगा। उसके चाहिए डिफरेंट साइजेस ऑफ सिरिंजेस एंड नीडल्स होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए एंड मेडिसिन वो एम्पुल या वायल के रूप में होता है, ठीक है। और एक सीजर भी होना चाहिए, अगर वो एम्पुल हो तो हमें उसे कट करने में हेल्प होगा। और डिस्पोजेबल सिरिंजेस के साथ में डिस्टिल वाटर भी होना चाहिए, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में मेडिसिन होते हैं उसे मेनली हम लोग डिस्टिल वाटर लेकर उसे हम लोग मिक्स करते हैं और उसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक बिग ट्रे में साथ में एक किडनी ट्रे भी होना चाहिए और पेपर बैग भी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स होंगे वो बिग ट्रे में होंगे, ठीक है। तो बिग ट्रे को हमें हमेशा क्लाइंट यूनिट के पास में नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लेकर जाना सेफ भी नहीं होगा और साथ में इतना वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो हमें एक स्मॉल जो ट्रे होगा उसे हमें लेकर जाने चाहिए। तो अभी तो मेरे पास बिग ट्रे है, तो मैं इसे पेशेंट यूनिट में लेकर जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी जो भी आईएम हम लोग इंजेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मेनली हम लोग को 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज राइट्स ऑफ गिविंग मेडिसिंस या मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशंस का 5 राइट्स होता है, उसे हमें माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट राइट इज राइट क्लाइंट, ठीक है। राइट क्लाइंट, हमेशा जो क्लाइंट होगा उसे हम लोग को चेक करना होगा विथ नेम, बेड नंबर एंड आपका जो भी उसका ड्रग है, उसे हमें एक राइट क्लाइंट को हमें पहले चेक कर लेना होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट राइट ड्रग, जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया है फिजिशियन के द्वारा, वो ड्रग हमें क्या होना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो ड्रग उस पेशेंट के लिए है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राइट डोज, देन राइट रूट एंड राइट टाइम। तो जो भी मेडिसिन देंगे तो हम लोग टाइम पे ही देना चाहिए। तो ये 5 राइट्स हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। इसके अलावा चेक फिजिशियन ऑर्डर, तो जब भी किसी मेडिसिन को हम लोगों को एडमिनिस्टर करने जाना है तो फिजिशियन ऑर्डर को एक बार हम लोगों को क्या करना, फिजिशियन का ऑर्डर समटाइम्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद में हमें उसे नहीं देना होता है, तो इसलिए हमें फिजिशियन ऑर्डर को चेक करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका थर्ड है, और मेनली क्या ये स्टराइल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो हमें ग्लव्स वियर जरूर करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले जब भी मेडिसिन देने जाना है तो हैंड वॉशिंग करके आना है और रिमूव ऑल द ऑर्नामेंट्स। ये क्या है, एम्पुल है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एम्पुल को से मेडिसिन को ये सिरिंज है, ठीक है, सिरिंज का पार्ट होता है, ये प्लंजर होता है, ठीक है। तो प्लंजर को हमेशा हम लोगों को क्या, एक बार चेक करना चाहिए कि कोई भी इंजेक्शन जो है वो वर्किंग में है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में नीडल्स आता है, नीडल्स में भी 3 पार्ट्स होता है, इस पार्ट को हब कहते हैं। तो हब को हमेशा हम लोगों को क्या करना है कि चेक करना है कि जो हब है वो प्लेस में है या नहीं। ये समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे क्या लूज होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग को देखना है। तो जो हम लोग इसे लोड करेंगे तो हमें हमेशा हब को पकड़ते हुए हमें लोड करना होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। हब को हम लोग इस टाइप से पकड़ेंगे, इसके बाद में हमें इंजेक्शन को लोड करना होगा। तो इंजेक्शन को लोड करते समय जब हम लोग पूरा लोड कर लिए हैं इंजेक्शन को, उसके बाद में इसे हम लोग इस टाइप से रिमूव करेंगे और जो भी एयर बबल्स है इसमें हम लोग इसे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक बार हब को फिर से रिचेक करेंगे, देन इसके कैप को हम लोग इसको प्लेस करेंगे इस ढंग से। तो ये प्रिपेयर हो गया आपका इंजेक्शन। फोर्सेप है तो चीटिल फोर्सेप से हमें स्टराइल कॉटन स्वाब लेना होगा, ठीक है।
अगर एंटीसेप्टिक लोशन है लेना तो हमें इसे में डिप करके लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेडिसिन कार्ड। हमें मेडिसिन कार्ड भी पेशेंट का रखना होता है, उसमें मेडिसिन का नेम होगा, बेड नंबर होगा, उसका ड्रग होगा, डोज होगा, ठीक है, और साथ में डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है। तो मेडिसिन कार्ड भी हमें स्मॉल ट्रे में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में किडनी ट्रे हम लोग भी रख सकेंगे या पेपर बैग भी रखेंगे, ठीक है। तो एक स्मॉल ट्रे में हमें स्मॉल ट्रे प्रिपेयर करके पेशेंट के क्लाइंट के पास में आना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट के पास में आने के बाद में हमें पेशेंट को क्या करना होगा, प्राइवेसी में प्रोवाइड करना होगा सबसे पहले, क्योंकि क्या हम आईएम इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो क्या पेशेंट को प्राइवेटली हम लोगों को देने जा रहे हैं इंजेक्शन, तो हमें प्राइवेसी को मेंटेन करना होगा, ठीक है। उसे नेक्स्ट है, उसे हमें एक्सप्लेन करना होगा जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं कि साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन, क्या क्या साइट्स होते हैं आईएम इंजेक्शन के, मेनली फोर साइट्स होते हैं, ठीक है। वेंट्रोग्लूटियल साइट, डॉर्सल ग्लूटियल साइट एंड वेस्टस लैटरलिस एंड मिड डेल्टॉइड रीजन। तो जो फर्स्ट साइट है दैट इज डॉर्सल ग्लूटियल साइट। तो डॉर्सल का मीन्स होता है कि आपका बेस, ठीक है, बेस के साइड में, और वेंट्रो का होता है सामने, ठीक है, वेंट्रल, और डॉर्सल का मतलब होता है पीछे। तो डॉर्सल ग्लूटियल और आपका वेंट्रो ग्लूटियल, ग्लूटियल मसल्स मेनली हिप मसल्स को कहते हैं, ठीक है, तो वो बटक्स के मसल्स को कहते हैं। तो मेनली ग्लूटियल साइट जो होता है वो मेन साइट्स होता है आईएम इंजेक्शन का। तो हम पहला बात कर रहे हैं आपका डॉर्सल ग्लूटियल में। तो डॉर्सल ग्लूटियल में हमने दो बोनी प्रोमिनेंसेस को मेनली हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। तो जो फीमर होता है हमारा लॉन्ग बोन, सबसे जो लॉन्ग बोन होता है बॉडी का, उसका फीमर का जो लास्ट पोर्शन होता है आपका, सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा और पोस्टेरियर सुपीरियर स्पाइन, क्योंकि यहाँ पर डॉर्सल ग्लूटियल की बात हो रही है तो हमें क्या करना होगा, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे होता है जो एंटीरियर सुपीरियर होता है, ठीक है, और पीछे वाला अगर पार्ट हम लोग लेते हैं तो दैट इज पोस्टेरियर। तो हम लोग डॉर्सल ग्लूटियल में जा रहे हैं इसलिए हम लोग कौन सा लेना होगा, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, वो दोनों एरिया को हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एरिया में हमें मिली, ये जो फीमर है इसका जो फर्स्ट पोर्शन होगा दैट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर, और जो पीछे का पार्ट होगा दैट इज पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसके ठीक पीछे, ये एंटीरियर है तो इसके ठीक पीछे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो दोनों एरिया को हमें क्या करना होगा, एक इमेजिनरी लाइन हमें उसे ड्रा कर लेना होता है, ठीक है, माइंड में, ठीक है। उसके बाद में एक ये हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, इमेजिनरी। उसके बाद में एक हम लोग ऊपर से इसी लाइन में हम लोग एक और इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो बटक होगा दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर रीजन। फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग होगा और नेक्स्ट ऐसे होगा। तो द साइट विल बी आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स, ठीक है। तो जो हम लोग फोर इमेजिनरी फोर पार्ट्स में हमारा बटक डिवाइड हो जाता है तो साइट होगा दैट इज अपर एंड आउटर। इस एरिया, जो ये एरिया होता है, इस एरिया में ही हमें मेनली आईएम इंजेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम साइट बताने जा रहे हैं दैट इज वेंट्रोग्लूटियल साइट। तो वेंट्रोग्लूटियल साइट में मेनली हमें जो पार्ट याद रखना है दैट इज सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है दैट इज सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो ये पोर्शन होता है दैट इज सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो सुपीरियर इलियक स्पाइन और इलियक क्रेस्ट, ठीक है। तो प्यूबिस में आप लोग पेल्विक का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखते होंगे इलियक जो क्रेस्ट होता है जो कि इनमिनुएट बोन में आता है, ठीक है, पार्ट में। तो सुपीरियर इलियक स्पाइन और इलियक क्रेस्ट, ठीक है, इलियक क्रेस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इलियक क्रेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलियक क्रेस्ट होगा, यहाँ पे सुपीरियर इलियक का स्पाइन होता है और इलियक क्रेस्ट आपका इस, अगर इस डायरेक्शन में रहता है तो इधर हम लोग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो हम इस डायरेक्शन में इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर इलियक का स्पाइन होता है और यहाँ पे इलियक क्रेस्ट। तो हमें जो है इस टाइप से भी शेप में हमें एक
एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इलियक क्रेस्ट और सुपीरियर इलियक स्पाइन को दोनों को हम लोग विथ इंडेक्स फिंगर्स और मिडिल फिंगर्स के हेल्प से हम लोग दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एक भी इस टाइप का शेप बन जाएगा, ठीक है। तो इस शेप में ही हमें इस एरिया में आईएम इंजेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भी एरिया आपका सेम एरिया आ जाएगा, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, जिसमें कि हम लोग डॉर्सल ग्लूटियल में पढ़े थे, वो सेम आपका आ जाएगा रीजन वेंट्रोग्लूटियल में भी, अगर इलियक क्रेस्ट और सुपीरियर इलियक स्पाइन ये दोनों को हम लोग ऐसे करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे विथ टू फिंगर्स, तो हमें इस डायरेक्शन इस रीजन बन जाएगा एक, ठीक है, एक मार्क बन जाएगा इस मार्क में, तो इस मार्क के बीच में हमें प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। ये है आपका सेकंड साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है दैट इज आपका वेस्टस लैटरलिस, ठीक है। तो वेस्टस लैटरलिस में मेनली हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हम लोग थाई में देखेंगे, ठीक है। वेस्टस जो लैटरलिस होता है वो थाई रीजन में हम लोग मेनली आईएम इंजेक्शन देते हैं। तो जो रीजन होता है दैट इज मिड आपका थाई, मिड थाई में ये मेनली देते हैं। वेस्टस जो लैटरलिस मसल्स होता है वो थाई का मसल्स होता है और लैटरल साइड में देते हैं, तो या तो इस साइड्स में देंगे या इस साइड्स में, कभी भी मिड में हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो इंजेक्शन देंगे हम इस एरिया में दे सकते हैं, ठीक है, या इस एरिया में, हमेशा याद रखिएगा मिड रीजन में ही हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड साइट, ओके, आईएम इंजेक्शन का। नाउ फोर्थ साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन। तो फोर्थ साइट में हम लोग देखते हैं मिड डेल्टॉइड रीजन में। तो जो डेल्टॉइड रीजन होता है वो आर्म का जो डेल्टॉइड मसल्स होता है उसमें आईएम इंजेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसका जो रीजन होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर बिलो होगा एक्रोमियन प्रोसेस से, ठीक है। एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है वहाँ से आपका क्लेवाइकल बोन वहाँ से ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो ये सोल्जर के पास में एक्रोमियन प्रोसेस होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर बिलो या हम लोग 5 सेंटी जो 5 फिंगर्स होता है उसके बिलो में यहाँ पे ट्राइंगल शेप हम लोग एक एरिया एज्यूम करते हैं, उस एरिया में हम लोग आईएम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज फोर्थ साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन। तो अब आईएम इंजेक्शन मैं पेशेंट को देकर अभी दिखाने जा रही हूँ। तो चूंकि ये स्टराइल प्रोसीजर है इसलिए ग्लव्स वियर कर रही हूँ अभी। तो ग्लूटियल साइट में मेनली इंजेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पेशेंट को प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए और पेशेंट को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग इंजेक्शन देंगे पेशेंट को। तो सब जो एरिया में हमें इंजेक्शन प्रोवाइड करना होगा उसे हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन से डीप किया हुआ कॉटन स्वाब से हमें स्ट्राइल करना होगा एरिया को और उसे डिस्पोज करना होगा किडनी ट्रे में या पेपर बैग में। तो एरिया को स्ट्राइल करने के बाद में जो लोडेड इंजेक्शन होगा उसे हम लोग हब को एक बार फिर से हम लोग नीडल को एक बार चेक करते हुए एरिया को हमें ग्लूटियल जो मसल्स होगा उसे होल्ड करते हुए हमें पेशेंट को बोलना है, ठीक है। पेशेंट को उस समय हमें डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में 90 डिग्री एंगल पे हमें मेडिसिन एडमिनिस्टर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में स्लोली स्लोली पुश करना होगा, देन एक कॉटन स्वाब के हेल्प से हमें लेकर फिर नीडल को बाहर की ओर निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम इस एरिया में सम टाइम्स जो मेडिसिन होता है उसे हम लोग रब करते हैं और कुछ मेडिसिन जो होता है उसे हम लोग रब नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो भी कॉटन स्वाब होगा उसे डिस्पोज करना। दिस इज ऑल अबाउट आईएम इंजेक्शन प्रोसीजर। तो अगर स्टूडेंट आप इस टाइप का डेमो नर्सिंग प्रोसीजर का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।